अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन चीख चीख के बोलना पड़ रहा है ब्लॉग के लिए। आप लोगों को तो आवाज़ से पता चला होगा कि बिल्कुल ही तबीयत मेरी ठीक नहीं है। आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, नज़ला भी हो रहा, खांसी भी हो रहा, सारा प्रॉब्लम अभी मेरे साथ हो गया। और मुझे डेली ब्लॉग बनाना होता है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने बोला कोई छुट्टी होनी नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बट अभी बीच में हो चुका था कुछ, लेकिन मैंने बोला अब नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल डेली बनाना है तो बस डेली बनाना है। तो यार वो प्रैंक वाली जो वीडियो थी वो जब अपलोड होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट मेरा ब्लॉग अभी 1:30 बजे अपलोड होने वाला है, उसमें प्रैंक की छोटी बहुत शूट वगैरह है, आप लोग जाके देखो और इंजॉय करो। और मैं अभी जा रहा हूँ शॉप, मैंने कहा कि आज थोड़ा शेप वगैरह बना लेते हैं जाके, अपना हुलिया भी थोड़ा सही कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप, फिर शॉप से जब वीडियो अपलोड करना होगा फिर कर लूँगा नाश्ता भी। दिल भी नहीं कर रहा नाश्ता करने का क्योंकि 12:30 हो रहे हैं। जब वीडियो अपलोड करना होगा फिर कर लूँगा नाश्ता। शॉप से आ चुका हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। मैंने बोला चलो जल्दी से वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। यार अभी जो पिक्चर वगैरह थी ना वो किसी और के पास है, उसने कहा कि अभी लाइट नहीं है, जैसे ही लाइट आती है मैं आपको साइन करता हूँ, तो मुझे बनाना है थंबनेल। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब तक वो साइन कर रहे हैं मैं अपना इधर सब चीज़ कर लूँ, सिर्फ थंबनेल लगाऊंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अपलोड करने के बाद जाऊंगा नाश्ता करने, क्योंकि सुबह उठ के मैं नाश्ता नहीं करता, 1:30-2 बजे ही मेरा नाश्ता भी होता है। और एक और बात आप लोगों को बताऊं, आज मेरी पूरी 30-30 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, बट वो कितने सबर में आप लोगों को बताता हूँ कि कितने दिन में हुआ है ये। वन मंथ और कुछ डे, आई थिंक 5 या 10 दिन, तकरीबन 40 दिन में, 40 डेज में मेरी 30 वीडियो अपलोड हो गई। इतनी खुशी। तो अब मैं कोशिश करूँ कि डेली बनाऊँ, ठीक है। आज 30 हो जाएगी, आज डेट देख लेते हैं, आज के आज मेरे घर से 14 अक्टूबर है, ठीक है। तो आज 14 है, अब 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक, ठीक है, देखते हैं कि हमारी 1 मंथ की वीडियो कंप्लीट होती है या नहीं। ये मैं समझो आप लोगों के साथ चैलेंज कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये 1 मंथ मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगा 1 मंथ तक, फिर उसके बाद भी चैलेंज करूंगा, बट अभी 1 मंथ के लिए कर रहा हूँ। आज 14 अक्टूबर है और 14 नवंबर तक पूरी 30 वीडियो मेरी अपलोड होगी। फाइनली वीडियो अपलोड हो गई है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि कुछ चेक हो गया था मुझसे, इस वजह से अभी भी लैपटॉप मेरा सामने पड़ा हुआ है। अभी वीडियो अपलोड हुई है, आप लोग जाके देख लें। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना मेरे चैनल को। और उस भाई की जो आए थे कल फ्रेंड करने, उनका भी इंस्टाग्राम लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दिया हूँ। आप लोग प्लीज़ उनको जाके सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा पे फॉलो कर दो। अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आज वीडियो भी 10-15 मिनट लेट अपलोड हुई है, क्योंकि यार मसला हो गया था इस वजह से। अब मैं सीधा जा रहा हूँ शॉप, लैपटॉप यहीं पड़े रहे तो सिस्टर ऑफ कर देंगी क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। मैं भी शॉप से आया हूँ, अब जा रहा हूँ खाना खाने और कपड़ा वगैरह अपना चेंज करूँगा, और उसके बाद आप लोगों को पता है सैटरडे को कॉलेज की छुट्टी होती है, और सैटरडे को मैं अपने टिकटॉक और इंस्टा की वीडियो शूट करता हूँ, तब मैं जाऊँगा इंस्टा की रील वगैरह बनाने, पहले मैं हो जाऊँ फ्रेश। आप लोग ब्लॉग में मुझे ऐसे किटिंग शीटिंग में नहीं देखते होगे क्योंकि यार डेली ब्लॉग होता है ना, इस वजह से उसमें हर कपड़े वगैरह पहनने पड़ते हैं। फिर जैसे शॉप जा रहा हूँ तो उसके लिए अलग कपड़े होते हैं, कॉलेज जाना उसके लिए अलग ड्रेसेस होते हैं, तो सारे ना चेंज होते हैं। तो अभी मैं कर रहा था इंस्टा रील शूट, तो इंस्टा रील शूट करने के लिए मैं पहनता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट हो गए, शर्ट वगैरह हो गया, इस वजह से आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट लगता होगा कि यार। और ज़्यादातर ये ना कि इंस्टाग्राम रील्स से और टिकटॉक से ना मुझे काफ़ी अच्छे फैंस मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे उस दिन जैसे वो भाई आए थे, वो उन्होंने भी कहा कि मैं आपको टिकटॉक पे देखता था, तभी मैं आपसे आपकी ज़्यादा अच्छी वीडियो टिकटॉक पे लगती है। यूट्यूब पे तो अभी आया हूँ, मुझे मंथ हुआ है आई थिंक, तो 40 डेज हुआ है मैं आया हूँ यूट्यूब पर। इंशाल्लाह इस पर भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा।
तो इसके भी फैंस मिल जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ इंस्टा रील शूट करने, आज है कॉलेज की छुट्टी और कॉलेज भी नहीं जाना है। फाइनली रील्स वगैरह शूट हो चुका है, मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप। सैटरडे को यार काफ़ी ज़्यादा काम होता है क्योंकि मेरी छुट्टी भी होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई काम है तो बंदा छुट्टी वाले दिन कर ले, तो मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि यार आम दिन में टाइम नहीं मिलता, सारे दिन मसरूफियाती चल रही होती। मैं तो नवाब भी हूँ, सो अगर उठता हूँ बहुत लेट, इस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ शॉप, उधर देखता हूँ क्या काम है, पहले वहाँ का काम क्लियर करूँ। तो अब चलते सीधा शॉप। इंस्टा रील शूट करते वक्त ये लाजमी पहनता हूँ, हाथ में दो अंगूठी है, ये ब्रेसलेट है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, अब ये नहीं बता सकता किसने गिफ्ट किया था, बस गिफ्ट किया था, इस वजह से मैं इंस्टा रील वगैरह के लिए ये अंगूठी, ये ब्रेसलेट और एक और हाथ में, वो तो दिखा नहीं सकता, उससे ब्लॉग बना रहा हूँ, और ये लाजमी पहन के बनाता हूँ क्योंकि लुक काफ़ी अच्छा आता है। अगर देखना हो ना कि आप लोगों को कि कैसा रील्स और टिकटॉक वगैरह बनते हैं, तो यार हर ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ अपने टिकटॉक आईडी की और इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम पे जाओ उधर देख लो और फॉलो भी कर लो, टिकटॉक पे जाओ उधर भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आती है और रोज अपलोड होता है, तो आप लोग जाके जरूर देखें। अब मैं सीधा जा रहा हूँ शॉप, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ये सब बहन सेट कर देगी, काम करो खुद सेट कर देगी बहन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो यार अब चलें सीधा शॉप, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है रील्स वगैरह शूट करने के लिए, यार तकरीबन दो घंटा हो गया रील्स वगैरह शूट करने में, सारा काम करके फारिग हो गया यार, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन काम ही इतना ज़्यादा होता है, बस क्या करूँ। आप लोग अभी भी देख रहे होंगे हाथ में आइसक्रीम है, क्योंकि यार मेरा जो रूम जो है ना जहाँ पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और ख़त्म भी दी एंड भी वहीं करता हूँ, वो पूरा फैला हुआ है क्योंकि मैं कर रहा था अपना काम, और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है तकरीबन, और मैं अपने व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था, मैंने बोला चलो व्लॉग भी एंड कर लूँ जल्दी से और फिर अपने काम पे बैठ जाऊँ, आज इतना मसरूफ था कि सारा दिन ऐसे गया, ब्लॉग में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो चलो कोई मसला नहीं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, तो इसी आइसक्रीम के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।